एक राजा था, वह बैसाख माह में प्रतिदिन वन मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता, तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बांदरी रहती थी। वह प्रतिदिन राजा की स्नान करने से पहले स्नान करके पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख महीना बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह सब देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले जाया गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा, इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बांदरी का गर्भ ठहर गया। नौ मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण बात बता दी। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो कि राजा आते हैं या नहीं आते। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उन्होंने उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हुई तो ये तो एक बांदरी है, अर्थात एक पशु है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुमार की चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन चाक पर आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे, उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट मानकर और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बांदरी का ही पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनगढ़ पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, आओ रे पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उन्होंने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर मनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा
बगीचे में खेलने और झूला झूलने लग गई। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने को कहा, तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब तो मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई, उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो अपने घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने नहीं आया। सभी कहने लगी कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने नहीं आया और सावा भी नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियाँ बातें करने इकट्ठी होती हैं वहाँ जाकर बैठो। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी। लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुमार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याह गई, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता और न ही कोई देखने आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुमार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुमार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करवा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बांदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाया कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुमार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बांदरी बैठी मिलेगी, उसके सबको पेड़ लगना है। सब ने कुमार के कहे अनुसार दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी कि कुमार के बेटे की मस्करी गई नहीं, उसकी औरतें बांदरी के पेड़ लगी और हमारे नहीं। कुमार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वह बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुमार की चाक में छोड़ दिया। कुमार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नाती थी, इसलिए उनको बेटे पोते राजपाट मिला।